नितिन गडकरी साहब जो है ना, इसे इंटरनेशनल ट्रांजिट हब बनाना चाहते हैं। सोचिए, इस लेवल का थिंकिंग होना चाहिए। इंटरनेशनल सोचो भैया, इतना दूर तक का सोचने वाले अगर हमारे यहाँ 10-20 मंत्री हो जाए ना। अब नागपुर को नितिन गडकरी साहब जो है ना, इसे इंटरनेशनल ट्रांजिट हब बनाना चाहते हैं। अब ये ट्रांजिट हब कैसे बनेगा, अब उस चीज को हम लोग समझते हैं। इस नक्शा में, हाँ, इस नक्शा से काम हो जाएगा। देखिए, जो एविएशन इंडस्ट्री होती है बाबू, इससे काम नहीं चलेगा। चल जाएगा काम। उससे अच्छा दुनिया का ही नक्शा ले लेते हैं, वर्ल्ड मैप। हाँ, लेकिन इसमें आप लोग को दिखेगा, दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। देखिए, हम आपको कुछ कुछ चीजें, जैसे चाइना का ये है, एकदम हब सेंटर है, चाइना का ये हब सेंटर है, ये कोरिया का है, ये जापान है, ताइवान है, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये वाला एरिया साउथ एशिया है। यहां से जब हम शिपमेंट भेजते हैं कहां पे, यूरोप, अफ्रीका, तो यहां से ये लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट से, फ्लाइट से जहाजें उड़ती हैं। हम पानी वाली जहाज की नहीं कर रहे, पानी वाली जहाज को रुकने की क्या जरूरत है, सोचा तो एक के बार लोड करेगा 2,00,000 लीटर फ्यूल एक के बार में, 2,00,000 लीटर तो फूंक देगा एक दिन में, उसको बड़का इंजन ना होता है उसका, उसमें क्या चीज होता है, तो उसमें जगह की तो कमी होती नहीं है, इतना बड़ा एरिया टंकी बना देगा। जाओ, हवाई जहाज में मेन होता है, क्योंकि उसका अगर वेट ज्यादा रखिएगा तो फ्यूल कम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहां से जो भी फ्लाइटें जाती थी वो एक ही बार फ्यूल लेके, और इंडिया के इस एरिया से कोई जहाज नहीं जा सकती है, क्योंकि वहां तिब्बत का पहाड़ और हिमालय है, और हिमालय जो है ना, जब जहाज से उड़िएगा ना तो हिमालय एकदम बराबरी तक में जाता है, 9 किलोमीटर की हाइट पे लगभग ये जहाजें भी उड़ती हैं सब, 9 से 10 किलोमीटर की हाइट पे, और 9.5 हिमालय भी है यहाँ पे, तो बहुत का अंतर नहीं है। दूसरा क्या है कि इनकेस अगर कोई इमरजेंसी आता है तो जहाज को फट से डाउन किया जाता है और लगभग 10,000 फीट पे लाया जाता है। कितने फीट पे लाया जाता है? 10,000, तो हिमालय से टकरा जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत होगा 10,000 फीट पे सांस लेने में दिक्कत नहीं होता, तो उस एरिया में जहाज ही नहीं जा सकता है। कोई इमरजेंसी हो गया तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब जैसे पटना से दिल्ली जाना है, कोनो इमरजेंसी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खेत खलिहान है, कहीं उतार दो तो अब अपने पहाड़वा पे कहाँ उतारेंगे, उतार देंगे उतना स्पीड में, खेत खलिहान में क्या होगा, मुंह हाथ फूटेगा। बीचों बीच गंगा नदी जाती है यूपी और बिहार के, और बीचों बीच ही फ्लाइट का रेशियो है यहाँ पे। लो भैया, गंगा के घाटे के किनारे उतार दो, घाट के किनारे तो भीड़ भाड़ नहीं है ना रहता है जी, कोनो खोप ओप में लेके घुसा देगा जा। इसलिए जहाज में कहते हैं पिछला सीट सेफ होता है, ऐसे अमूमन कहा जाता है। इसे जहाज में सब सेफ है और सब अनसेफ है, समझ रहे हो ना, उतर गया तो सब सेफ है, दिक्कत करेगा तो सब अनसेफ कर देता है यहाँ पे। तो यहां से तो कोई जहाज नहीं जा सकती है। अब ये है यूएई, क्या है यूएई, आपको बहुत पता है फ्यूल ज्यादा नहीं हो पाती जहाजों में, 4 से 5 घंटे का फ्यूल लेके जाते हैं, तो लाख कई मतलब 50,000 लीटर फ्यूल भर लिया जहाज, कितना भर लिया, 50,000 लीटर। अब बताइए, 50,000 लीटर फ्यूल भर लिया जहाज लेके उड़ा, अगर वो फ्यूल कम भरता, 50,000 के जगह 20,000 लीटर भरता, तो 30,000 लीटर, 1 लीटर लगभग 1 केजी के बराबर होता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता। तो अगर 50,000 के जगह पे 20,000 लीटर उड़ता तो 30,000 का जगह खाली होता, उतना 30,000 केजी का सामान लेके उड़ जाता कि नहीं, हो जाता, उड़ जाता। अब क्या होता है कि ये सब बहुत ज्यादा फ्यूल लेके उड़ते हैं, सब फ्यूल लेके उड़ने की वजह से ये इन सब का रास्ता जाता है नागपुर के ऊपर से, नागपुर के ऊपर से फिर ऐसे जाता है, क्योंकि ना जब भी जहाजों का रूट बनाया जाता है ना तो आसपास के एयरपोर्ट से ही बनाया जाता है, क्योंकि उनको रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए ना, बार बार उनको फ्रीक्वेंसी चेंज करना हो तो बोलता है कलकत्ता ATC खत्म हो गया, कॉन्टेक्ट टू दरभंगा एयरपोर्ट, तो दरभंगा वाला उसको कहेगा हाँ चल 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 दहने मुड़ जियो यहाँ से चल चल, फिर उसके बाद वो छोड़ेगा तो गोरखपुर एयरपोर्ट, ऐसे पकड़ते पकड़ते एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे एयरपोर्ट के एरिया बाई एरिया क्या होते हैं से निकलते जाते। अब ये बताइए, इतना एरिया में जो 50,000 लीटर फ्यूल लेके उड़ रहा है, अगर हम उसे बीच में एक जगह हाल्ट दे दे, उतरने का जगह दे दे, उतरने का क्या दे दे, जगह दे दे, तो 50,000 लीटर के जगह पे वो कितना लेके उतरेगा, 20,000 लीटर, बाकी जो बच गया 30,000 लीटर, यानी वो 30,000 लीटर का सामान ले सकता है, या 30,000 लगभग लगभग केजी के बराबर, आप देखिएगा ना लगभग लगभग क्या होता है, बराबर
30,000 केजी का एक्स्ट्रा सामान लोड रख सकता है कि नहीं लोड, बसरते बस एक जगह उसको क्या है उतरना है यहाँ पे। तो नितिन गडकरी साहब का कहना है कि जब भैया तुम इधर से जा रहे हो तो मुंबई एयरपोर्ट पे तो तुम भूल जाओ उतरना, इतना बिजी एयरपोर्ट है कि परेशान हो जाओगे वहां पे, तुमको संटिंग में डाल देगा, जैसे ट्रेन में मालगाड़ी को डाल दिया जाता है, तुमको डाल देगा संटिंग में। तुम नागपुर पे ट्रांजिट हब बना दो, फ्यूल काहे लेके उड़ रहा है उतना, फ्यूल काहे लेके उड़ रहा है, फ्यूल को कम करो, उतना सामान भर लो, फ्यूलवा जराओगे कौन सा तुमको, फ्यूल तुम एक बार में भरो चाहे दो बार में भरो उतना ही जलना है, बेटर है कि तुम ज्यादा सामान लेके उड़ो। उतर जाओ कहां पे, नागपुर में, फिर यहां रिफ्यूलिंग करा लो, खाना पीना कुछ खाना है तो उतर के खा लो, समझ आ गया कि नहीं गया। और फिर नागपुर से उड़ान भरो और कहां उतरो, दुबई, नागपुर से कहां उतरो, दुबई, दुबई के बाद इन लोग का इस्तांबुल आता है अगला, कहां आता है इस्तांबुल, इस्तांबुल के बाद ये लोग जाते हैं फ्रैंकफर्ट या फिर पेरिस, क्योंकि यूरोप में ना यहाँ 4-5 को बड़े बड़े शहर एक ही पास है। तो अभी क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजिट हब बनने की ओर जा रहा है कौन, नागपुर। और नितिन गडकरी साहब जो है परिवहन मंत्रालय उन्हीं के पास में है यहाँ पे, हालांकि वायु परिवहन उनके पास नहीं है, लेकिन बहुत विजनरी इंसान है। अगर वो सोच लिए, सोचिए इस लेवल का थिंकिंग होना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस में, कोई इंटरनेशनल सोचो भैया, इंटरनेशनल। वो नागपुर के रहने वाले बार बार देखते थे बड़की बड़की जहाज जा रही है जी इधर से, उतार एकरा, हाँ उतार। इतना दूर तक का सोचने वाले अगर हमारे यहाँ 10-20 मंत्री हो जाए ना, देश बड़ी तेजी से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांजिट हब बन गया, अब काहे को दुबई जाएगा आप ही बताओ, कोई पायलट थक जाएगा आप बताइए, कोई ताइवान से उड़ा है 8 घंटे कंटिन्यू उड़ाते 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 दुबई पहुंचेगा, 8 घंटा एगो सीट पे बैठल 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 हालत खराब हो जाता है यहाँ पे। उस सबका बहुत मेंटल वर्क होता है ना, आदमी शारीरिक काम से उतना नहीं थकता जितना मानसिक काम से थक जाता है। ये बात अलग है कि ऊपर में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हमेशा टीके सिस्टम पे कंट्रोल रखना है। टीके सिस्टम क्या होता है, सबका रूट वही है, अगर कोई जहाज आपसे 40 किलोमीटर दूर पे है ना, 20 किलोमीटर की दूरी पे, लड़ेगा नहीं लेकिन टिक 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 बोलने लगेगा, ट्रैफिक ट्रैफिक बोलने लगेगा, अरे भैया ध्यान दो ट्रैफिक, क्योंकि आपको लग रहा है ना आप सीधे जा रहे हैं, वो बैला किधर जा रहा है आपको क्या पता, कई बार एक्सीडेंट अपने वजह से नहीं होता है, सरकार ले आके ठोक देता है। तो कंटिन्यूस 8 घंटा आपको लगता है कोई बैठ रहेगा, तो बेटर है कि तुम 4 घंटा उड़ाओ, उतर जा नागपुर को, उसका फटीक भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं खत्म होगा, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेगा उतरने के बाद, हाथ पर सीधा कर लेगा, जब तक फ्यूल भराएगा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का टाइम लगता है। अगर जब हर जहाज का एक रूल होता है, जब भी लैंड करेगा तो उसका चेकलिस्ट फॉलो होगा, टायर प्रेशर हैन तेन एक बार दोबारा जाँच हो जाएगा, सेफ्टी लेसर भी बढ़ जाएगा, और धीरे 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 नागपुर का विकास और आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं।